Welcome back to another vlog. So as you all can see, my mommy is making lukhmis. So mommy, would you like to say what is added in? It's keema, and I have already tender it with some onion and masalas. So it's already now. So there you go. Ready. As you all can see, the lukhmis are getting fried. About like 2 to 3 cups of oil, I would say, is added in. And my sister is putting the fork. Okay. So now again, you can see how I'm rolling it. Just one time, put flour. Just this much. No need to put too much. And then roll it very nicely. Thin. Yeah, thin layer. Just more of it. It is compulsory to make it thin as much as you can, because if it is too thick, it does not give much texture to the lukhmi. Mm-hmm. I'm cutting the edges to make it shape. Yeah, you need to cut much it easier. Okay, I already now cut it into half. If I want, I can just make more shape for it. Just as you wish. And now there is keema. And I'll be adding one at a time. Just 1 teaspoon for 1 lukhmi. Otherwise it will puff and broken almost. So no need to put that. So aap na bas 1 chai ka chamach dal dijiye keema. Choti choti lukhmi banaiye. Ye bachche bahut enjoy karte hain. Yeah. Aur jab bachche khana band kar de to aap ye cheez try kariye. ये लंच बॉक्सेस के लिए भी अच्छे हैं, आउटगोइंग के लिए भी अच्छे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, सब लाइक दैट। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है जो हम लोगों ने आजकल छोड़ दिए, बट ये देखिए आप इसको जरूर ट्राई करिए। लुखमीज हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं होता, जस्ट फ्राई होता बस। तो करिए जरूर, और ज्यादा कीमा मत डालिए। जितना भी आपका, अगर लुखमी बड़ा साइज का है तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते, अगर छोटा लुखमी है तो आपको 1 टीस्पून इनफ हो जाएगा। और ये यहाँ साइड का भी थोड़ा सर का प्रेस करिए ताकि कंप्लीटली हो जाए। ये शेप देना चाह रहे हैं तो जस्ट मैं इसको शेप दे रही हूँ, आप जैसा चाहे करिए। डम्पलिंग्स दिख रहे हैं, बहुत डिलीशियस रहते हैं। टू मच छोटे भी नहीं है, देखिए हाफ हैंड के उतना ईच है जी। मैं लेट में बता रही हो रहे हैं ये वाले। सो हम ये ऐड कर देंगे। सो एडेड इन 1 लाइक हाफ अ पाम। ठीक है, आधे हाथ में ब्यूटीफुली फ्राई होंगे। हम इसे केचप के साथ खाएंगे। मेरी मम्मी बोलेंगे आपको कि लैम की जो हीमा है फिलिंग के लिए मैंने क्या किया है जी, सुनिए आप लोग। ये मेरा जो है ऑलमोस्ट 3rd या 4th टाइम का रोलिंग है, इसमें मैं आपको बता दूंगी। देखिए, मैं 1/2 kg ऑफ हीमा ली थी और 1 बड़ा प्याज, तो मेरे को जल्दी थी तो मैं खीमे में स्ट्रेट अवे सारे मसाले मिला दी। सो मिर्ची और नमक अपने हिसाब से, और काली मिर्ची एडिशनल में डाली। डिपेंड करता कि आप लाल मिर्ची अगर 1 टीस्पून ले रहे हैं तो काली मिर्ची 1/2 टीस्पून ले लीजिए, बट वो आपके हिसाब से कि आप लोग तेज़ खाते या फीका खाते। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून इसमें डाली, और गरम मसाला है और हल्दी है और नमक है। तो ये चीज़ें मैं खीमे में डाली स्ट्रेट अवे। तेल 3 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं था क्योंकि मुझे ऑयल नहीं बनाना था खीमे को, तो 1/2 kg खीमे के लिए मैं 3 टेबल स्पून तेल ली और स्ट्रेट अवे डाली। और थोड़ा सा 5 मिनट्स भुनने के बाद में मैं उसको कवर अप करी। 15 to 20 मिनट्स जस्ट कवर होने के बाद में जब उसमें पानी छूट गया तो अलग से मैं सेपरेटली थोड़ी सी प्याज को लाल कर ली थी जो चॉप्टेड थी, 1 ऑनियन थी तो चॉप्टेड करके उसमें लाल करी।
लाल करने के बाद में फिर मैं खीमे में डाल दी, मगर बगैर तेल के। प्याज को डालना है तो तले बाद से तेल को आपको निकालना है, उसको साथ में नहीं डालना तेल को। फिर आपको ये करना है कि आप प्याज डालने के बाद में खीमे में, जब लास्ट 20 मिनट्स के बाद आप खीमे में ऑलमोस्ट पानी सूख रहा है, उससे पहले आपको थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून बेसन फ्लावर ले लिए, और उसमें आप भून के बेसन फ्लावर को 2 टेबल स्पून बेसन फ्लावर को ऐड कर लीजिए स्ट्रेट अवे खीमे में। तो सुनिए कि खीमे में बेसन के फ्लावर को आपको ऐड करना है जब ऑलमोस्ट आपका खीमा रेडी होने को है। तो जब ऑलमोस्ट आपका खीमा रेडी के लिए है तो आप बेसन के फ्लावर को 2 टेबल स्पून उसको भून के स्ट्रेट अवे डाल दीजिए खीमे में। तो मैक्सिमम 25-30 मिनट्स खीमे को पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो लो हीट पे मैंने फिर खीमे को ठंडा करा और फिलिंग तैयार थी। तो मेरा ये रोल रेडी है। अब आप देखिए, मैं इसके एजेस काट रही हूँ क्योंकि मुझे शेप चाहिए, एक अच्छा शेप। तो देखिए ये जो है लुखमी के लिए ये स्ट्रिप्स तैयार है। ये अगर आप रेडीमेड खरीदेंगे लुखमी के स्ट्रिप्स तो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, घर के ज़्यादा अच्छे होते हैं। और घर के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ये कितना फ्लावर था और क्या क्या चीज़ें इसमें गई। बहुत सिंपल है, टू इजी है, आप ये घर में बनाइए क्योंकि सेहत अच्छी रहती। बाहर के आटे अपने बच्चों को मत खिलाइए, बाहर के फ्रोजन प्रोडक्ट्स जो होते हैं आप लोग जस्ट खरीद लिए और फिर खिला दिए, लगने में ईजी रहता, बच्चों की सेहत पर असर होता बहुत। तो ऐसा ना करिए। ये मेरे बच्चे भी आवाज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ एंजॉय कर रहे लुखमी खा के, क्योंकि आजकल ये चंद दिन से मेरे बच्चे जो है चावल या फिर कोई टाइप का पसंद नहीं करे, जस्ट पैनकेक और लुखमियों पे है। ये देखिए रेडी हो गया विद इन फ्यू मिनट्स। ये हैदराबादी लुखमी है। इसके साथ आपको कबाब जो बनाना है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इंशाल्लाह हो सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी फुल रेसिपी। बट ये आप याद रखिए, लुखमी के कभी भी पेटीज बाहर के लेके मत ट्राई करिए, क्यों ना वो इतने अच्छे ब्रांड वाले हुए, इतने अच्छे ब्रांड वाले। अगर आप सॉरी मेरा ना मैं भी ना इसको थोड़ा सा लाइट कर ओके सो देखिए।